जिंदाबाद 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 दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ पिछले तीन महीनों से सब पूरे भारतीय रेलवे में जब कोविड का ऐसा संकट पूरे देश में विश्व में था तब रेल कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार को छोड़ करके वो भारतीय रेल का संचालन सुचारू रूप से करने का काम किया मालगाड़ियों का संचालन किया पार्सल ट्रेन का संचालन किया दूसरी जो आवश्यक रेल संचालन का काम था एमरजेंसी के रूप में उसको करने का काम किया श्रमिक स्पेशल चलाने का कार्य किया और इस दौरान भारत सरकार ने इस कोविड 19 का जो माहौल था इसका लाभ लेते हुए ऐसे अनेक निर्णय लेने का काम किया जिससे रेल कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित होने का काम हुआ है उन्होंने अगले 1.5 साल का महंगाई भत्ता जो उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर बढ़ता है एक एग्रीमेंट है भारत सरकार से उसे अगले 18 महीने के लिए रोकने का काम कर दिया फ्रीज करने का काम कर दिया श्रम कानूनों के तहत नए नए बदलाव करके जो हमारे ट्रेड यूनियन राइट्स हैं उन राइट्स को रोकने का काम कर रहे हैं मल्टी स्किलिंग और दूसरे नए नए नाम लेकर के और रेल कर्मचारियों की संख्या कम करने की बात की जा रही है जो माहौल इस संकट की घड़ी में है उसमें आवश्यकता है रेल कर्मचारियों के उत्साहवर्धन की उनको प्रोत्साहन देने की उसके उलट उनको एक तरह से दंडित करके और हतोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने 1 जून से 6 जून तक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया और आज 8 जून को विरोध दिवस के रूप में पूरे देश भर में तमाम रेल कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रकट करके और भारत सरकार को चेताने का काम किया है कि जो निर्णय आपने किए हैं इन्हें वापस सुधारने का काम किया जाए इन निर्णयों को वापस लेने का काम किया जाए और भारतीय रेल के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का काम किया जाए मोहन चलानी मंडल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन